नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कॉर्मेंचा प्रोफेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थ्री का आज एग्ज़ाम था, तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं उसी एग्ज़ाम से संबंधित। उसके रिव्यू के बारे में जानेंगे कि किस तरह का पेपर आया था, किस कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, पेपर का पैटर्न कैसा है, मतलब उसका लेवल कैसा है। तो ये एक रिव्यू यहाँ पर हम जानेंगे, एक शॉर्ट रिव्यू यहाँ पर हम देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो रिव्यू मैं देने वाला हूँ, ये आपका एक फेसबुक पर पेज है यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट 2016। इसमें एक रोहित सिंह जी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, शायद उन्होंने अपना यहाँ पर रिव्यू दिया है। आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट 2016 जो ग्रुप है फेसबुक पेज, जो फेसबुक पेज है, और उनका रिव्यू यहाँ पर दिया गया है रोहित सिंह के द्वारा। तो वहाँ पर ये रिव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने क्या क्या बताया है, कैसा पेपर आया है, तो उन्होंने ये थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं क्या रिव्यू है, एक शॉर्ट रिव्यू इसका। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए उनके द्वारा क्या बताया जा रहा है कि देखिए लिखा हुआ है ऑफिस यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट फर्स्ट शिफ्ट। तो देखिए हिंदी में उन्होंने क्या क्या बताया है कि यहाँ पर क्या क्या पूछा जा रहा है। समास से क्वेश्चन है, छंद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मनहरंत रस आपका जो है, और सिंगर का स्थाई भाव, श्रीनगर सिंगर का स्थाई भाव यहाँ पर पूछा है, और आलंबन कैसे किसे कहते हैं ये यहाँ पर देखिए पूछा गया। इस तरह के इन्होंने क्वेश्चंस बताए हैं, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस हो, लेकिन कुछ इसी तरह से मिलते जुलते क्वेश्चंस यहाँ पर उनके द्वारा बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इस तरह का पेपर यहाँ पर आया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उपमान किसे कहा जाता है, छंद के चार चरण को क्या कहते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची क्या है ये पूछा गया है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका भागवत वात्सल्य का स्थाई भाव पूछा गया है, अग्नि का पर्यायवाची पूछा है इन्होंने। और देखिए इन्होंने कहा है कि इस बार सारे टॉपिक कवर किए गए थे, यानी कि जो क्वेश्चन हैं, तो जैसे कि अभी तक पैटर्न चला रहा था कि एक टॉपिक ले ले रहे हैं उसी से सारे क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर सारे टॉपिक को टच किया गया है, सारे टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर और उन्होंने बताया कि दो क्वेश्चन यहाँ पर तत्सम से भी था, और शब्द अलंकार कौन सा है यहाँ पर यह भी पूछा गया था, अर्थालंकार कौन सा है ये भी यहाँ पर पूछा गया था। तो इस तरह से देखिए हिंदी में क्या क्या पूछा जा रहा है। इनके द्वारा बताया गया है कि समास से है, छंद से क्वेश्चन है, मनहरंत और आपका श्रृंगार का स्थाई भाव तो आप सभी जानते होंगे, और आलंबन किसे कहते हैं, और उपमान किसे कहा जाता है, छंद के चार चरण को क्या कहते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची, और भागवत वात्सल्य का स्थाई भाव, अग्नि का पर्यायवाची, और इस बार सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं इनके द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, जो यहाँ पर बताया है इन्होंने कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी दी है, तो देखिए उन्होंने बताया है कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से बहुत क्वेश्चंस थे, यानी कि देखो दोस्तों, आप लोगों से मैं हर बार से तब से यही कहता आ रहा हूँ कि आप लोग एमएस एक्सेल के बारे में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड यानी कि एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पर बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने वाला भी आया था, कुछ क्वेश्चन गेट से थे इस तरह से जो गेट होते हैं आप जानते हैं, तो उनसे कुछ क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन यहाँ पर पासा से था, एक सिंपल था, एक हाई लेवल का था। दस क्वेश्चन यहाँ पर घन से था, कुछ बताया है इन्होंने, किसी घन को 64 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ऐसा कुछ था यहाँ पर क्वेश्चन, ये रीजनिंग के बारे में शायद भी बता रहे हैं। दो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्लस को और ये ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन बताया है इनके द्वारा गया है। अगला दोस्तों कहा गया कि ब्लड रिलेशन से भी यहाँ पर दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए कंप्यूटर में दोस्तों इन्होंने क्या बताया है, अब कंप्यूटर में दोस्तों इन्होंने बताया है कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बाइनरी डिजिट से कुछ क्वेश्चन थे और कुछ यहाँ पर गेट से भी संबंधित क्वेश्चन थे। फिर इन्होंने रीजनिंग के बारे में यहाँ पर बताया है कि दो क्वेश्चन यहाँ पर पास आते थे, एक सिंपल था और एक हाई लेवल का था। 10 क्वेश्चन घन से पूछा है इन्होंने, क्या है ये, किसी घन को 64 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। दो क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड रिलेशन से था, और यहाँ पर दोस्तों ये बताया कंप्यूटर में, देखिए कुछ और चीज़ें इन्होंने बताई है कि कंप्यूटर में मॉनिटर की कॉपी को क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा है सीपीयू को किस नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस लगाई हैं आप कैसे पता करोगे ये पूछा गया है, कंट्रोल प्रेजेक्स करने पर क्या होता है, कोई भी वर्ड कहाँ स्टोर होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, और एक्सेल में
इज़ इक्वल टू इवन 3 प्लस ऑड 4 का रिज़ल्ट क्या यहाँ पर होगा, और एक्सेल में टोटल कॉलम कितने होते हैं, टास्क बार में क्या होता है, ठीक से देखिए बताया कि ठीक से याद नहीं है, लेकिन मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस इनके द्वारा बताया जा रहा है। इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं, यहाँ पर ये बताया है इन्होंने, माउस की सहायता से किसी आइकन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कहलाता है, तो देखते यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं, रिटर्न की के नाम से इस की को जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन इन्होंने जीएस में भी बताया, देखिए कैसे है कि हाल ही में नया राज्य कौन सा बना है, इंग्लिश सिंपल थी, 10 से 12 इनको बताया गया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं, पैसेज वास को सिंपल बताया गया है, इरर सिंपल वाली थी, और यहाँ पर नॉट इस वर्ड से 4 सेंटेंस बनाकर दिया गया था, सही वाला चूज़ करना था, राइट इससे भी सेम क्वेश्चन था, और बैक इससे भी सेम क्वेश्चन यहाँ पर था। पेपर रीजनिंग का को छोड़कर बताया है इन्होंने कि रीजनिंग को छोड़कर सब कुछ यहाँ पर सिंपल था, रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे। तो ये देखिए दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर आपका रिव्यू पूरा दिया गया है, तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको, और आप इसे एक आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर इनके हिसाब से अगर इनकी बात माने तो यहाँ पर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, एक सारे टॉपिक्स को यहाँ पर टच किया गया है, हर चीज़ को सही से यहाँ पर संतुलित तरीके से पेपर को सेटअप किया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।